ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रकृति के सौंदर्य के बीच में आज हम लोग छोटी सी चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं इस समय कहाँ हूँ और इस मौसम में मैं आपको क्या जानकारी देने वाला हूँ। ये इस समय हम देवभूमि में उत्तराखंड में हैं और इस समय जो मंगल का परिवर्तन हुआ है, मंगल अपनी मेष राशि में है, तो इससे एक रोचक महापुरुष जो पंच महापुरुष राजयोग हैं उसमें से एक राजयोग का निर्माण होगा जो कि खासकर 12 राशियों में से 4 राशियों को मिलेगा। वो कौन कौन सी लकी राशियां हैं जिस पर रोचक महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है और गोचर काल में उन सबको इस प्रकार का लाभ मिलेगा। मंगल का मतलब साहस होता है, मंगल का बटना घटना और दुर्घटनाओं से जुड़ा होता है, अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस भी हम इससे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ ही जो पराक्रम है वो मंगल के पास है। प्रॉपर्टी का जो कारक है वो मंगल होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं, वाहन का जो कारक है ये सब मंगल के पास इसका आधिपत्य होता है। तो ये 4 राशियां हैं, वो कौन कौन सी राशि इसमें इस क्रम में सबसे पहले मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में यह परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में मंगल जब होंगे तो रोचक महापुरुषों का लाभ मेष राशि को मिलेगा। दूसरी अहम राशि हो जाती है कर्क राशि, कर्क राशि के लिए भी यह रोचक महापुरुषों का निर्माण करेगा। तीसरी राशि है तुला और चौथी राशि आपका होगा मकर, यानी कर्क मेष तुला और मकर राशि के जातकों को इस समय रोचक महापुरुष योग का राज मिलेगा। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी का लाभ लेना चाहते हैं, फ्लैट के लिए प्रयास कर रहे थे, घर बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो निश्चित रूप से इस काल में आपको प्रयास करना चाहिए, अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहिए और आप इसमें सफल हो पाएंगे। हम इस समय यात्रा में हैं और ये महत्वपूर्ण जानकारी क्योंकि कल ही राशि का परिवर्तन हुआ है, आप इस कुछ दिनों के अंदर ही आप इस परिवर्तन को देखेंगे। आप अपने जन्म कुंडली के अंदर मंगल को देखिए, अगर मंगल की स्थिति स्ट्रांग है, मंगल महादशा के अंदर चल रहे हैं, अंतरदशा में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए आपको इसका लाभ मिलने वाला है। तो दर्शकों आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, देवभूमि से आप सबके लिए मंगल कामनाएं, धन्यवाद।